जयपुर के प्रताप नगर में महाराणा प्रताप जयंती की भव्य तैयारियां की जा रही है। इसमें क्या कुछ रहेगा खास, देखिए ये वीडियो। हम महाराणा प्रताप जयंती से एक दिन पहले यहाँ पर आए हैं। हम यहाँ पर 51 फीट का ध्वज लहराने आए हैं, क्योंकि हम आज यहाँ पे ना आपको टैलेंट देने के लिए आए हैं कि कल हम महाराणा प्रताप की जयंती पर कितना उत्सव मना सकते हैं। ये एक छोटा सा रूप है, बाकी आप कल देख सकते हैं कि हमारा क्या प्रोग्राम रहता है। ये है एक ये है कि इनकी इतनी वीरता थी तो इनका हमारा सम्मान करना हमारा हक था। इस वजह से हमने आज एक करणी सेना के रूप में इकट्ठा हुए और इनके सम्मान के लिए हमने आज ये किया। कई दीपकों से इनसे इनकी आज हमने आरती की, इनका सम्मान किया। आज भी इनके इनके लिए हमारे मन में इनकी भावनाएं हैं कुछ। ये आज भी समझो कि ये हमारे बीच हैं तो इसकी प्रेरणा मिलती है आपको ये देख के। इससे हमने इनका स्वागत करने के लिए कल प्रोग्राम रखा है। इसमें 51,000 दीपकों से महाआरती की जाएगी, जिसमें 51 पंडितों की से महास्वल श्लोक बोले जाएंगे और 51 फीट का केसरिया ध्वज फहराया जाएगा, जो कि विश्व में पहला सबसे बड़ा केसरिया ध्वज होगा। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टॉप पर जगह मिली है। अमेरिका स्थित कंसल्टिंग फर्म मॉनिटरिंग कंसल्ट के एक सर्वे के अनुसार 78% रेटिंग के साथ पीएम मोदी को दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता माना गया है। इस सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 6 और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 10 नंबर पर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि मैंने बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त से मेरे वाहनों की आवाजाही के लिए 0 ट्रैफिक प्रोटोकॉल वापस लेने के लिए कहा है। मैंने यह फैसला उस हिस्से से यात्रा करने वाले लोगों को हो रही दिक्कतों को देखने के बाद लिया है जहां 0 ट्रैफिक के कारण प्रतिबंध है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने बड़ी राहत देते हुए कहा है कि 2000 रुपए के नोटों को बदलने के लिए ID कार्ड और फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना फॉर्म और ID के ही नोट बैंक में किसी भी ब्रांच में बदला जा सकेगा। विराट कोहली ने IPL इतिहास में सर्वाधिक शतक जड़ने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विराट कोहली ने रविवार को GT के खिलाफ 60 गेंदों पर IPL का अपना 7वां शतक पूरा किया और उन्होंने क्रिस गेल को पछाड़ा, जिन्होंने IPL में 6 शतक लगाए थे। कोहली और IPL में लगातार 2 मैचों में शतक जड़ने वाले RCB के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।